हाय एवरीवन, आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में क्या चीज़ है और ये बहुत बहुत ही फायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए, बहुत ही केयरफुल है। यहाँ पर मैं आई हुई हूँ अपने खेत में और मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर देती हूँ, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत ही केयरफुल है। तो आप ये रेमेडी, मतलब ना कोई झंझट, ना कोई उबालना, ना कोई पकाना, और किसी भी प्रकार का झंझट नहीं है। अगर आपको ये पौधा कहीं भी दिखता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी रियल ब्लॉग में। दोस्तों बज रहे हैं शाम के 5:30 के आसपास का टाइम है और मैं चल रही अपने खेतों में एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल है और जो है आप इसे कितना पसंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी है तो इस तरीके की हर वीडियो मैं ला सकती हूँ अपने चैनल पर, नहीं तो मैं तो अपना डेली का रूटीन ब्लॉग वगैरह शेयर करती रहती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ की जानकारी मुझे है और जितना ज्ञान मुझे है, तो वो चीज़ देखिए, जो चीज़ बचपन में खाती थी उसका कोई आइडिया नहीं था कि मतलब ये क्या है, कैसे है। सिर्फ हम लोग को लगता था कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, चलो पक गई है इसको खा लेते हैं। लेकिन अब जब बड़े हुए हैं तो पता चला है कि ये बहुत ही कामगर चीज़ है। अगर आप लोग भी यूज करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद है। चलिए चलते हैं सीधा अपने खेत में, लिए चलते हैं, वहीं पर है इसका पौधा। अब सब कुछ अच्छे से आप लोग को दिखाएँगे, बहुत बढ़िया से समझाएँगे और ख़ासकर उनके लिए जो बहुत ही बीमार पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, जिनके अंदर ब्लड की कमी है, तो उसको ये जो है बहुत आसानी से कवर कर लेता है, वो भी 10 दिन में अगर मिल जाए तो। कहीं कहीं मिलता ही नहीं है, पहले तो मिलता नहीं, मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा, दो पौधा मेरे खेत में था। चल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो दवाओं के साथ साथ दोस्तों देखिए, परहेज भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप परहेज नहीं करते हो तो कोई भी दवा आपको काम नहीं करती है। अक्सर हमें बुखार में, टाइफाइड मलेरिया में या किसी भी रीजन में हमारे शरीर में जो है ब्लड की कमी हो जाती है, जिससे हमें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो वो कमी वो चीज़ पूरा करता है। चलिए चल के दिखाते भी हैं, बताते हैं आप लोगों को। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने खेत में जहाँ पर वो पौधा है। सब कुछ आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं और बताते हैं रेमेडी शेयर करके, मतलब क्या कैसे करना है, कैसे खाना है इस चीज़ को, इसका सेवन कैसे करना है और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये आपके लिए। ठीक, सो एवरीवन, जब हम बीमार पड़ते हैं या वैसे भी खान पान की कमी की वजह से जो है ना, क्या होता है कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और अचानक से हमारी जो ताकत होती है, जो हमारे अंदर की जो है वो होती, हिम्मत होती है, वो छूटने लगती है। तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और हर तरह की दवाई लेते हैं, फिर भी उसका मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो कभी कभी दवा के साथ साथ देसी नुस्खे भी आजमाना चाहिए और जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा हेल्थ, मतलब हम सही रहें, हमारा स्वास्थ्य सही रहे। अगर पहले से हम तमाम तरह की चीज़ों का मतलब ध्यान रखते हैं, खान पान में सही रखते हैं, वो चीज़ें हमें कभी भी दिखती हैं या मिल जाती हैं तो हम उसे यूज कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में उस चीज़ का जो है विटामिन बना रहता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, पौधा तो दरअसल में शायद उखाड़ दिया गया है, लेकिन पौधा यहीं पर है, सूख गया है, तो हम बैठ के आप लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं हम अपने खेत में जहाँ पर मैंने उस पौधे को देखा हुआ था और मुझे जो है पहले नहीं पता था, सच्ची बात है, ये मुझे जानकारी नहीं थी कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, इतना ज़्यादा मतलब वो है। तो मैं किसी से बात कर रही थी अपनी बेटी के बारे में, उन्होंने बताया कि अगर ये चीज़ मिल जाती है आपको, अगर आप इसे खिला देते हो तो जो है ब्लड हमेशा बराबर रहेगा, मतलब ये जो हीमोग्लोबिन होता है, लाल वाला ब्लड घट जाता है, तो ये सही रहेगा। मैंने देखा दो पौधे थे हमारे खेत में, तो एक का जब दाना पक जाता है तभी ये खाया जाता है, कच्चा दाना तो कम ही यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये है इमरती का पौधा, इमरती यानी मकोए भी आप इसे बोल सकते हैं। अक्सर अब ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, बहुत कम ही दिखाई देती हैं, मेरे यहाँ तो पहले बहुत होता था, हम लोग इसे इमरती बोल बोल के खाते थे हंसी मजाक में जो है, लेकिन ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता था। पहले हम लोग बचपन में जो है इधर उधर की चीज़ें खा लेते थे, जो कि जानकारी नहीं रहती थी, लेकिन जो है सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता था। तो अगर आप कमज़ोर हैं, आपके शरीर में ब्लड की कमी है, तो एक हफ्ते में मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये चीज़ आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में आपकी बहुत ही मदद करेगा, ताकि आपको मतलब अगर ब्लड सही है शरीर में तो सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, सबको दबा के रखता है और हमारा शरीर का जो है बैलेंस बराबर रहता है। ठीक है, और इसके बाद अगर वैसा है तो आप अनार का जूस भी, अगर आपको मतलब कोई चीज़ के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे कि अनार कभी कभी किसी को नुकसान भी कर देता है या कोई और बीमारी है, तो उसका जूस पीने से, सेवन करने से नुकसान पहुंच जाता है इसकी वजह से, नहीं तो अनार का ये देखिए हरे कलर का दाना, जो कि ये पक चुका है आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है,
तो ये बहुत ज़्यादा फायदे। कभी कभी हम जिन्हें घास फूस समझते हैं या वैसे समझते हैं, समझ के इग्नोर कर देते हैं जिन चीज़ों को, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और सच बता रहे हैं, इसका ट्रायल किया हुआ नुस्खा है और इसको बताया हुआ था हमारे जो चाची हैं उनके भतीजे ने, ऐसे मतलब बात कर रहे थे, आए थे घर पे निमंत्रण में, तो बातचीत हो रही थी कैसे हो क्या है, तो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई, भाई ऐसे ऐसे है बेटी की तबीयत अभी साल भर लगभग ख़राब चल रही है। तो उन्होंने कहा अरे दी बहुत ही मतलब सिंपल और बहुत ही, लेकिन अगर मिल जाए तो, अगर आप इसे एक हफ्ते खा लेते हो 10 से 15 दाने या 20 दाने इसको खा के पानी पी जाते हो तो भी कोई वो नहीं है, बहुत ही नुकसानदेह नहीं होता, मतलब ये फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके शरीर पर, अगर फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। देखिए कितने सुंदर सुंदर दाने हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आपको अगर अपने शरीर में हीमोग्लोबिन यानी लाल ब्लड को बढ़ाना है तो आप इमिर्ती यानी इसको क्या बोलते हैं, मकोई का पौधा है ये, ये कहीं भी आपको मिल सकता है, आसानी से तो नहीं अब मिलता है, पहले हर जगह ये पौधे दिखते थे, अभी बहुत कम दिखते हैं। अब जैसे इस खेत में यहाँ पर देखिए ढेर सारे इसके फल गिर गए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए ढेर सारे इसके फल गिरे हुए हैं यहाँ पर, पेड़ यहीं पर था ये वाला, देखिए अम्मा ने वहाँ से इसको निकाला हुआ है, निकाल के फेंका है इस पौधे को। तो आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर मिल जाता है तो जो है आप इसका सेवन करेंगे, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी, हीमोग्लोबिन बना रहेगा। तो चलिए फिर आशा करती हूँ कि ये चीज़ आप अगर मिलेगी तो ट्राई करेंगे, आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। और इसमें कुछ नहीं, ना खाना ना पकाना ना कोई झंझट, अगर ये पौधा आपको मिल जाता है तो इसके कच्चे फल जो होते हैं वो तो स्वादिष्ट नहीं लगते हैं, खाए आप उन्हें भी सकते हैं, लेकिन अगर पके हुए फल हैं तो मैक्स्योर आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे, खाने में स्वादिष्ट, हल्के खट्टे मीठे जैसे होते हैं, जैसे संतरे की गोली का इनका अनुभव होता है, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अच्छी किसी वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए हम इसको खाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे खा के नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो है और लोग देखते हैं, तो खाते पीते मैं नहीं दिखाती हूँ। चलिए फिर अच्छी रेमेडी के साथ या अच्छे ब्लॉग के साथ फिर मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी। आशा करती हूँ जो नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि आपको ये रेमेडी और हमारा वीडियो कैसा लगा।